जापान के सड़कों में दिखा ये अजीबोगरीब जानवर, ये है क्या? टोक्यो ओलंपिक्स के इस रेस में ऐसा क्या हुआ कि इसे ईरान के लोगों को दिखाया ही नहीं गया? और ओलंपिक्स में चीन के इतने मेडल लाने के पीछे का राज क्या है, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, भारत में फिल्म्स में प्रमोशन के टाइम पर फिल्म स्टार्स लोगों के बीच जाकर फिल्म के बारे में बताते हैं और उनसे फिल्म देखने की अपील भी करते हैं, पर जापान जैसे एडवांस देश के लोग इस तरीके के प्रमोशन से काफी पहले ही बोर हो चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जापान में फिल्म्स का प्रमोशन कैसे होता है। असल में जापान की जनता क्रिएटिविटी की दीवानी है। जो प्रोड्यूसर अपनी फिल्म के प्रमोशन में जितनी क्रिएटिविटी दिखाता है, उसकी फिल्म उतनी ही हिट होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में टोक्यो के सड़कों पर कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिला। द टुमारो वॉर मूवी के प्रमोशन के लिए प्रोड्यूसर ने फिल्म में दिखाए गए क्रिएचर को कुछ इस तरीके से सड़कों पर घुमाया, जो काफी रियलिस्टिक लग रहा था। नंबर 8, टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में दुनिया भर के कई खिलाड़ियों द्वारा काफी शानदार प्रदर्शन किया गया और इनमें से एक नाम था फरजाने हिफाशीही का। ईरान के स्प्रिंटर फरजाने ही ने ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस में पहला स्थान हासिल किया और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, पर उन्हें पूरी दुनिया ने दौड़ते देखा, छोड़कर उनके अपने देश ईरान ने। ईरान के किसी भी टीवी चैनल पर उनके शानदार प्रदर्शन की कोई खबर देखने को नहीं मिली। जब ईरान से इसके पीछे का कारण पूछा गया तो उनका जवाब काफी चौंकाने वाला था। ईरानियन मीडिया एजेंसीज का कहना था कि फरजाने है के साथ दौड़ रही किसी भी स्प्रिंटर ने हिजाब नहीं पहना था, इसीलिए उन्हें टीवी पर दिखाना ईरानी कल्चर के खिलाफ था। नंबर 7, अगर आपसे कोई भारत के अलावा किसी और देश का राष्ट्रगान गाने को कहे तो आप डेफिनेटली 0/0 हो जाएंगे, पर आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो एक दो नहीं पूरे 91 देशों का राष्ट्रगान गा सकते हैं। मिलिए अर्थव मूले से। गुजरात के वडोदरा के रहने वाले 17 साल के अर्थव पूरे 91 देशों के राष्ट्रगान गा सकते हैं, वो भी परफेक्ट लय के साथ। उनके इसी टैलेंट के चलते उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। नंबर 6, आपने आज तक कई तरीके के छोटे बड़े मशरूम देखे और खाए होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसे मशरूम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे छूते ही वो ब्लास्ट हो जाता है। इस मशरूम का नाम है बफबॉल मशरूम। ये मशरूम टच सेंसिटिव होता है, ऐसे में जब कोई भी चीज या व्यक्ति इसे छूता है ये कुछ इस तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है, इसीलिए इसे खाने की बात तो भूल ही जाइए। नंबर 5, दुनिया भर में कई तरीके के ट्रेन इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ पुराने हैं तो कुछ में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, पर क्या कभी आपने दुनिया का पहला स्टीम इंजन देखा है? वीडियो में दिख रहा इंजन दुनिया का पहला स्टीम इंजन है, जिसे 182 में बनाया गया था। इस इंजन को बनाने का क्रेडिट जाता है रिचर्ड ट्रेविथिक को, जो कि एक ब्रिटिश इन्वेंटर थे। मजेदार बात ये है कि 2 सदी बीत जाने के बाद भी ये इंजन काफी अच्छी हालत में है, जो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। नंबर 4, एक नॉर्मल सनफ्लावर के पौधे की हाइट की बात करें तो वो 2.5 से 3 मीटर तक की होती है, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा सनफ्लावर का पौधा कहाँ है और कितना लंबा है? दुनिया का सबसे लंबा सनफ्लावर का पौधा मौजूद है जर्मनी के नॉर्ड्रेयन वेस्ट फैलन के कास्ट में, जिसकी लंबाई है 9.17 मीटर, यानी लगभग 30 फीट 1 इंच। इस सनफ्लावर प्लांट को उगाया है हैंस पीटर शीफर ने। 28 अगस्त 2014 में इस सनफ्लावर प्लांट को दुनिया के सबसे बड़े सनफ्लावर प्लांट के रूप में वेरीफाई किया गया था। नंबर 3, अगर आपने कभी पार्लियामेंट की डिबेट्स और डिस्कशंस देखी हैं, तो आपने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगे उल्टे पंखों को भी देखा होगा, जिन्हें छत से नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से पोल्स पर लगाया गया है। चलिए आज आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। जब भारत की पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया गया था तो सेंट्रल हॉल का गुंबद काफी बड़ा और ऊंचा बनाया गया था, ऐसे में उसमें पंखे इंस्टॉल करना काफी मुश्किल काम था। वहीं अगर पंखे इंस्टॉल हो भी जाते तो हॉल में हवा का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उस वक्त इंजीनियर्स ने पंखों को कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया। हालांकि अब सेंट्रल हॉल में एसी लगा दी गई, पर अभी भी इन पंखों को आप यहां देख सकते हैं। नंबर 2, एक माँ अपने बच्चों की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और ये सिर्फ इंसानी माओं पर लागू नहीं होता, बल्कि कीड़ों में भी ऐसी भावना देखी जाती है, जिसका जीता जागता एग्जांपल है लेस विंग इंसेक्ट। ये इंसेक्ट अपने अंडों को दुश्मन से बचाने के लिए उसे अपनी लार से एक धागा बनाकर पौधे की टहनी से कुछ दूर टांग देती है। ऐसे में कोई भी शिकारी कीड़ा इसके अंडों तक नहीं पहुंच पाता। वहीं अगर कोई ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो लार से बने इस धागे के कॉन्टेक्ट में आते ही वो मारा जाता है। नंबर 1,
टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में चाइना की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही और चाइना में यूएसए को बराबर की टक्कर दी। पर क्या आप जानते हैं कि चाइना ऐसा कैसे कर पाया? चलिए आज आपको चाइना द्वारा एथलीट्स को ट्रेन करने की एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताते हैं जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एथलीट्स को ओलंपिक्स के लिए ट्रेन करने के लिए चाइना ने बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस टेक्नोलॉजी को वैसे तो मिसाइल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आर्टिफिशियली तेज हवा के प्रेशर को क्रिएट किया जाता है और उसके आगे मिसाइल को रखा जाता है ये देखने के लिए कि तेज प्रेशर में मिसाइल कैसे रिएक्ट करेगी। चाइना ने हवा के प्रेशर को ह्यूमन कैपेसिटी तक कम करके अपने स्विमर और रोविंग एथलीट्स को इस टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेनिंग दी और वे अपनी सीट्स और परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं ये भी सिखाया। नतीजा आप सबके सामने है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंजन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।